एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है 26 फरवरी, आज याद था डेट, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। 26 फरवरी है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:20। मुझे 2 बजे से ब्लॉग स्टार्ट करना था, मैं काम वाम करके अपना वीडियो एडिट कर रही थी और एडिट करते करते सो गई और अलार्म भी नहीं लगा के सोई थी। 3 बजे का अलार्म नॉर्मली जो फ़ोन में सेट था उससे मैं जगी हूँ। फिर मैंने हड़बड़ी में मतलब अपने आप को थोड़ा हुलिया, अपना सुधारा और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज। और आप बताइए, आप लोग कैसे हो? आपके सिटी में मौसम कैसा हो रहा है इस टाइम पे? बैंगलोर में तो बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है इस टाइम और गर्मी बढ़ चुकी है। मतलब पहले नहीं था ऐसा बैंगलोर का मौसम, पहले हरियाली ज़्यादा थी, लेकिन अभी क्या है ना, अभी पेड़ कट करके शहर बसते जा रहे हैं तो मौसम का वो जो है ना, यहाँ का भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यहाँ पे भी गर्मी पूरी पड़ने लगी है। तो खैर चलिए, अभी मैं हूँ किचन में और कल हस्बैंड लेकर के आए थे गाजर का हलवा, गाजर। तो फरमाइश हुई है कि एक बार फिर से गाजर का हलवा बनाऊँ और यहाँ पे ना बड़ी महंगी पड़ रही है गाजर, 100 रुपये किलो। एक बार और मैंने बनाया था लेकिन उस टाइम मैंने ब्लॉग में नहीं आपको दिखाया था, बस मैंने शॉर्ट्स उसका बनाया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना, उस टाइम फ़ोन में स्पेस भी नहीं था तो रेगुलर ब्लॉग कर नहीं पा रही थी। लेकिन अभी क्या है, फ़ोन मैंने कर दिया है चेंज और स्पेस तो है ही, तो इसलिए आराम से अभी मेरे ब्लॉग्स बन रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए किसी भी पॉइंट पे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। और साथ में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं रोज़ नई वीडियो पोस्ट करती हूँ, एक दिन का गैप रखती हूँ क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ वाला हो जाता है काम, क्योंकि घर के काम, बच्चों के तो साथ में ब्लॉगिंग तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे गाजर जो थे ना इनको मैंने छील लिया अच्छे से, बिना धुले ही छीला है क्योंकि अभी इसको छीलने के बाद फिर मैं वॉश करूँगी। और इतने लंबे लंबे गाजर थे ना कि बाद में मैंने इनको कट कर दिया था बीच से, तब छीलते बना था, नहीं तो बहुत बड़े बड़े थे। तो खैर आज हुआ ऐसा ना, मतलब मुझे व्लॉग शुरू करना था लेकिन ऐसी नींद लगी, होता है ना, मतलब रात में लेट तक जगो, इसके अलावा सुबह से काम में तो थोड़ा सा कभी कभी आलस लग जाता है, लेकिन अगर आलस करेंगे तो काम कैसे चलेगा, तो बस आलस छोड़ा मैंने। हालांकि नींद अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन फिर भी अभी ये था कि फटाफट से थोड़े से काम निपटा लेती हूँ, फिर अभी बच्चों को लेने जाना था मुझे स्कूल भी। और काम का क्या है, मतलब काम तो पूरे दिन हमारे चलते ही रहते हैं, हाउसवाइफ्स के काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं, घर के हैं, बाहर के हैं, बच्चों के हैं, मतलब अनगिनत काम होते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, कभी कभी आलस लगता तो है लेकिन अगर हम ज़रा सा भी आलस करते हैं ना तो फिर हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था वॉश करने के बाद। अभी मैंने गैस पे रखा है कुकर और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी। अगर आपने अभी तक कुकर वाला गाजर का हलवा नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैंने तो बनाया था, इतना सबको पसंद आया कि दोबारा से बनाने की फरमाइश हो गई, तो अभी मैं दोबारा से आज बना रही हूँ। और मैंने सोचा चलो, उस टाइम मैंने आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर करी थी तो इस बार करती हूँ। तो देखिए, कुकर में 2 चम्मच घी डाला था मैंने और ये जो गाजर मैंने कट किए थे इसको डाल दिया है। अभी और कुछ भी नहीं करना है, 2-4 सेकंड के लिए इसको थोड़ा भून लेंगे और इसके बाद से कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। यहाँ पर पता नहीं क्यों बंद नहीं हो रहा था ढक्कन, तो थोड़ा टाइट पता नहीं क्यों लग रहा था, तो खैर बंद हुआ बाद में। और इसकी 2 से 3 सीटी लगानी है। कद्दूकस करने वाले में क्या होता है ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है कद्दूकस करने में, फिर उसको कढ़ाई में भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन अगर ये वाली रेसिपी आप ट्राई करते हो ना, आप एक बार ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया बना था। तो अभी देखिए, गाजर हो चुके हैं अच्छे से बॉयल और जैसा कि आपने देखा पानी है गाजर में,
तो अभी इसको मैंने क्या किया है ना, पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से इसको मैश कर दिया है। बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी, क्योंकि गाजर हो चुके थे सॉफ्ट। और अभी देखिए इसमें मैंने डाला ढेर सारा दूध, ढेर सारा नहीं मतलब एक कप के करीब मैंने दूध डाला इसमें, और साथ में मलाई जो थी दूध में वो भी मैंने डाल दी है। और साथ के साथ एक साइड मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर ले रही हूँ, जिसमें है काजू, बादाम और किशमिश। तो जब तक ये फ्राई होता है, और ये गाजर जो है इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते हुए पकाना है, तब तक जब तक कि ये अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा सा ना होने लगे। अभी देखिए जो दूध मैंने डाला था गाजर में अच्छी तरह से सूख गया है, तब मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स मैंने ये फ्राई करके रखे थे घी में, इसको भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। साथ में ही डाला है इलायची का पाउडर, जो कि मैंने क्रश किया था इलायची को ही पीस करके, तो वो डाल दिया है मैंने। और मेरे पास खोवा नहीं था, तो ये जो खोए वाली बर्फ़ी आती है ना, उसको मैंने 4 बर्फ़ी इसमें क्रश करके डाली थी। अगर आप नॉर्मल खोया यूज़ कर रहे हो तो आप चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना। और ये देखिए हमारा मस्त सा टेम्पटिंग सा गाजर का हलवा बनके हो गया है तैयार। और बीच में ना मैं छोड़ करके चली गई थी बच्चों को लेने के लिए भी, मतलब दूध डाल करके मैं गैस बंद करके चली गई थी बच्चों को लेने, बच्चों को लेकर के आई तब बाकी का मैंने प्रोसेस किया था, क्योंकि 4 बज चुके थे। तो अभी देखिए आते समय ही मैंने ये सब कुछ ले आई, मैं सब्ज़ी दूध ये सब, तो अभी इनको जगह जगह पर लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने सेट कर दी हैं, और ये दक्षिता के दूध का टाइम हो गया था, 7 बज गए थे शाम के, तो उसको मैंने दूध दिया। और सारे बर्तन जो भी निकले थे, ये मैंने जो हलवा बनाया था और साथ में बच्चों के जो भी लंच बॉक्स थे, वो सारा मैंने वॉश किया फटाफट से, और अब करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने सोचा चलो थोड़ा ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाते हैं, और पूरी था मन बनाने का, लेकिन फिर मना हो गया इसलिए नहीं बनाया मैंने। तो सिंपल तेल में डाला जीरा, हींग, और साथ में टमाटर और हरी मिर्च को मैंने कट करके डाला था, प्याज और लहसुन नहीं इसमें मैंने डाला था आज, ऐसे ही बनाया था। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर जब गल गए थे अच्छे से, तब मैंने इसमें नॉर्मल जो मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची और जीरा पाउडर, साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा एकदम गरम मसाला डाल करके मसालों को पका लिया, ऐसे ही हल्का सा भून करके। और साथ में ये आलू मटर मैंने कट करके रखे थे, मतलब आलू कट करके रखे थे और मटर भी ऐसे ही छिलके पानी में ही था, इन सबको मैंने डाल दिया था, और कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। साथ के साथ देखिए दूध भी एक साइड को बॉयल हो गया। अभी इसमें डाला मैंने थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अगर इसको आलू बॉयल करके बनाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन ना थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए तो मैंने ऐसे ही बना लिया। और कम से कम 5 सीटी मैंने लगाई थी ताकि अच्छे से बन जाए। अगर आलू बॉयल ना करो और इस तरह बनाओ तो भी अच्छे से बन जाती है। और देखिए साथ के साथ मैंने आटा लगा लिया था, तो एक और सेक ले रही हूँ रोटी, सब्ज़ी बनके तैयार है। तो इसको आलूओं को ना थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था, ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है ऐसे खाने में। धनिया की पत्ती ख़त्म हो चुकी थी तो इसलिए मैंने डाली ही नहीं, और मिला भी नहीं था एक्चुअली। मैं गई थी जब सामान लेने तो धनिया की पत्ती मिली भी नहीं थी, तो इसलिए मैं ले भी नहीं आ पाई। तो खैर अभी देखिए अभी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, और ये लग गई है हमारी आज की प्लेट, जिसमें है आलू मटर की सब्ज़ी, साथ में गाजर का हलवा, और साथ में एकदम गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, सारे काम निपटाने के बाद अभी जो लास्ट में बचता है वो है किचन की क्लीनिंग, हर बार कुकिंग के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि हम जब भी नेक्स्ट टाइम किचन में कुछ करने आए तो हमारा किचन साफ़ सुथरा रहे और हमें अच्छा लगे। तो बस इसी के साथ होता है किचन का काम भी कम्प्लीट, और इस ब्लॉग को इधर एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।